भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, और फेक न्यूज के सरगना जितनी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग हैं उनसे बड़े कोई नहीं है। लगातार उनका झूठ पकड़ा जाता है, और हम ही नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, ये फेक न्यूज है। झूठ फैलाने का काम इस सरकार के मंत्री करते हैं, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में, लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधानमंत्री की एजुकेशन या किसी चीज को लेकर चल रहा है उसका जो बेडरॉक है, द इशू देयर इज कि वो झूठ बोला गया है। तो किसकी फेक न्यूज की बात करेंगे आप? एक व्यक्ति प्रशांत पटेल है, स्टैंडिंग काउंसिल है गोवा का, भाजपा का सदस्य है। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि आप लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, आप माफी मांगिए, इसके खिलाफ सरकार एक्ट करेगी। और ये जो रूल्स हैं इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को बोल दिया, प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा, इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है। और एक ये भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद से आगे बढ़कर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि एनबीएसए है टीवी चैनल्स के लिए, ऐसी ही एक बॉडी उन्होंने भी बनाई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात फैक्ट चेकर्स के लिए भी चल रही है। फैक्ट की आपको बड़ी चिंता है, लेकिन फैक्ट चेकर्स को जेल में डालना है। तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया निंदक नियरे राखिए, सरकार को ना निंदक पसंद है ना निंदा पसंद है, ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करके आप विपक्ष को या इंडिपेंडेंट मीडिया को या असहज सवालों को दबा दीजिएगा, तो सच छुपाए नहीं छुपता है, ये अपने आप में एक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही ये है कि कोई सवाल ना पूछे। क्या सरकार ये जवाब दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हैंडल करती है? क्या सरकार ये बात दे सकती है कि एक ही आईपी एड्रेस से 23-23 वेबसाइट, तमाम फेसबुक पेज भाजपा के क्यों चलते हैं, जो सीमिंगली इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्चुअली प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा भाजपा का फैलाते हैं? अगर आप फेक न्यूज पर क्रैकडाउन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज तंत्र पर क्रैकडाउन करिए, क्योंकि जो क्रैकडाउन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी अमेंडमेंट रूल नोटिफाई करके किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आशय से किया गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो डर के, धमका के उनको घर बिठाया जा सके। आप एक व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, आप दो व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, लेकिन आज तो जनता खड़े होकर पूछ रही है कि यह सरकार, मोदी जी और उनके सारा तंत्र आज अडानी को बचाने पर क्यों तुला हुआ है।